Hey guys, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? वर्चुअल बेस क्लास। और इसी से रिलेटेड हम इसी वीडियो में पढ़ लेंगे एक टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं लेट बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, ये दोनों ही जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली होता क्या है कि C++ में बेसिकली C++ में जो टॉपिक्स छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसको 2 मार्क में या 3 मार्क्स में पूछ दिया जाता है यूजुअली। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है वर्चुअल बेस क्लास, और इसी वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट के बेस पे लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग का भी कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। तो चाहे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज वर्चुअल बेस क्लास, तो भी आप इसी वीडियो पे सारा काम कर सकते हैं, और अर्ली और लेट बाइंडिंग से रिलेटेड भी इसी वीडियो में आप सीख सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर, जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट स्किल लिंक प्लेटफॉर्म। स्किल लिंक टेक्स प्राइड इन बींग इंडियाज लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्पेशलाइज्ड इन PG programs for engineering graduates, students and professionals since 2015. जिसमें PG programs है लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल, ETC, जो आपके कॉलेज और इंडस्ट्री के गैप को फिल करता है, और यहाँ पे आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है। और यहाँ 2000 से भी ज्यादा जॉब ऑफर्स है, 300 से भी ज्यादा रिक्रूटिंग कंपनीज है, और 15,000 से ज्यादा एक्टिव लर्नर्स है। AI, डेटा साइंस, ऑटोनोमस व्हीकल, मशीन लर्निंग और भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कोर्सेस हैं, प्लस इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टॉक अबाउट देयर डेटा साइंस कोर्स। इन देयर डेटा साइंस प्रोग्राम यू गेट टू लर्न फ्रॉम बेस्ट इन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग विद डेडिकेटेड सपोर्ट, 16 कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स दैट यू कैन शोकेस इन योर रिज्यूमे, tools like Python, MySQL, Anaconda, SQLite, MS Excel, Power BI, Tableau. They have hiring partners like STL, Ola Electric, Capgemini, Tech Mahindra and many more. Book a free demo class and using my link in the description, you will get 15% off. So best of luck for your data science program with SkillLink. तो वर्चुअल बेस क्लास देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी हमारे पास बेस क्लास की जब बात आती है, इसका मतलब ये टॉपिक रिलेटेड हो जाता है इनहेरिटेंस से। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि अब हम देखेंगे कि वर्चुअल पहले क्या है। सबसे पहली बात तो वर्चुअल क्या है, तो वर्चुअल इज अ कीवर्ड इन C++। ये कीवर्ड है, वर्चुअल इज अ कीवर्ड, यानी ये क्या है, कीवर्ड है इन C++। ठीक है, यानी कि C++ में कीवर्ड होता है। वर्चुअल बेस क्लास का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए, वर्चुअल बेस क्लास को समझने के लिए फिर से वही बात है, सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम देखना पड़ेगा, उस प्रोग्राम के तब बेस पे आप वर्चुअल बेस क्लास का डेफिनेशन तय कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहला लाइन होगा हमारा #include iostream.h, राइट। और ठीक इसके नीचे मैं क्या करता हूं, एक क्लास बनाता हूं। मान लीजिए क्लास का नाम मैंने ए दिया, और इसके अंदर मैंने पब्लिक सेक्शन में आके डायरेक्टली एक फंक्शन यूज किया, दैट इज मान लीजिए void show नाम का फंक्शन किया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए हम करते हैं क्या, cout/n base class। मैंने क्या मैसेज दे दिया, बेस क्लास में आप हो, है ना, हो गया काम खत्म इसका, ये फंक्शन खत्म हो गया। दूसरा एक क्लास बनाते हैं, क्लास बी, है ना, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पब्लिक, और इसको इनहेरिट कर रहे हैं ए को, तो पब्लिकली हम क्या कर रहे हैं, ए को इनहेरिट कर रहे हैं, और यहां पे पब्लिक सेक्शन में हम सेम नेम का फंक्शन यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, void show, है ना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सी आउट कर देते हैं किसको, /n derived class, DRIVED derived class। ठीक है, अब मेरे को, मुझे एक बात बताइए, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्वियसली बात बी का, ठीक है, मैं यहां पे क्लास लिखता हूं, नॉट क्लास एग्जैक्टली, अब हमारा मेन शुरू होगा ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब इंट मेन। ठीक है, मैं यहां इस साइड लिखता हूं, चलिए यहां पे आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, इंट मेन, है ना। इसके अंदर जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, बी का, ठीक है, और बी टाइप का मान लीजिए मैंने डबल ए ऑब्जेक्ट बनाया, और डबल ए के जरिए जब मैं कॉल करता हूं किसको, शो फंक्शन को, है ना, तो जैसे ही, और मान लीजिए मैं यहां करता हूं return 0 नॉट 1। ठीक है, अभी प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया, तो अब एक बात बताइए, जैसे ही शो फंक्शन कॉल होगा आपको पता है ये वाला शो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि बेस क्लास का जो है वो क्या, ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ये बेस क्लास के अंदर के फंक्शन को यूज कर लेगा, न कि डेराइव को। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि डेराइव क्लास के
मेथड ने बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर लिया, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। यहां तक कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ये वर्चुअल बेस क्लास है। होता क्या है, देखिए अभी तक हम जान रहे हैं कि अगर मेथड ओवरराइडिंग होगा तो ये वाला कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और इसको अगर कॉल करना है तो वो भी आपको तरीका पता है कि यहाँ पे हम डबल ए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डबल ए डॉट फॉर्म क्लास का नाम क्या है, ए डॉट शो कर देंगे तो वो कॉल हो जाएगा, बेस क्लास का कॉल हो जाएगा। लेकिन हमें वर्चुअल का यूज समझना है, तो वर्चुअल का यूज समझने के लिए हमें यहां से पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस कॉन्सेप्ट पर्टेन्स टू व्हाट, दिस कॉन्सेप्ट पर्टेन्स टू मेथड ओवरराइडिंग। यहां पे वर्चुअल वाली बात होता क्या, देखिए वर्चुअल में जब भी होते हैं हम, तो हम अगर सेम नेम का फंक्शन डाल रखे हैं, तो जब हम नॉर्मली यहां पे जो हमने लिखा था वो अर्ली बाइंडिंग है, मतलब पहले ही पता चल जा रहा है। जैसे मैंने अभी क्या किया था, बी टाइप का डबल ए किया, और डबल ए के जरिए हम शो कर दिए, तो ये अर्ली बाइंडिंग, मतलब पहले ही आपके कंपाइलर को पहले पता चल गया कि ये वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अर्ली बाइंडिंग, पहले ही पता चल गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ये कहता हूं डबल ए डॉट शो, तो ये भी अर्ली बाइंडिंग, दिस इज ऑल्सो अर्ली बाइंडिंग, पता है डबल ए के अंदर जो बेस क्लास ए है उसका शो, ये वाला कॉल हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। यानी कि जब प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, यहां पे मैंने रिटर्न जीरो कर दिया, सपोज कीजिए आई एम राइटिंग हियर रिटर्न जीरो, तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले से पता चल जा रहा है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो दिस इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। लेकिन अब हमें जो समझना है वो समझना है हमें लेट बाइंडिंग। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप पहले से डिसाइड करके नहीं रखेंगे कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, हम अब यूज करेंगे पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को, किसके कॉन्सेप्ट को, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को, और जो बेस क्लास का पॉइंटर हम बनाएंगे, किसका बनाएंगे, बेस क्लास का पॉइंटर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे, बेस क्लास के पॉइंटर को बनाने के बाद क्या होगा, देखिए तो चलिए पहले मैं इसको डिलीट करता हूं। तो बेस क्लास का सबसे पहले देखिए समझिएगा, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है कि कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाते हैं, मान लीजिए हम ए क्लास का, क्योंकि हमेशा पॉइंटर जो बनता है वो बेस क्लास का बनता है, तो मान लीजिए हम बनाते हैं बीपीटीआर यानी बेस पॉइंटर। ओके, अब हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी हम मान लीजिए क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ए टाइप का डबल ए बनाया, तो मतलब हमें बेस क्लास का हमने पॉइंटर बनाया और बेस क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाए, और हम इस पॉइंटर को इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट कर देंगे। कैसे, तो हम लिखेंगे बी पी टी आर इक्वल टू एड्रेस ऑफ डबल ए, और यहां से अब हम बी पी टी आर के जरिए माइनस का साइन और ग्रेटर देन का साइन हम किसको कॉल करेंगे, शो फंक्शन को कॉल करेंगे, और मान लीजिए यहां पर हम करते हैं रिटर्न जीरो। अब ध्यान समझिए, देखिए चीजें हैं, बस समझते चले जाइएगा तो क्लियर होते चले जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। जब हम वर्चुअल की बात करते हैं, क्यों वर्चुअल आया, क्यों एग्जिस्टेंस में वर्चुअल आया, क्योंकि जब हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और क्या करेंगे, उस बेस पॉइंटर से हम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर देंगे, और तब उस बेस पॉइंटर के जरिए जब हम शो को कॉल करेंगे, तो डिफाइंड ऑलरेडी पता है भैया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बेस क्लास का है, ठीक है, पॉइंटर भी बेस क्लास का है, और ये पॉइंटर हमारे बेस क्लास को ही डिनोट कर रहा है, तो जब बेस पॉइंटर के जरिए हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो यही वाला कॉल होगा, आपको आउटपुट क्या दे देगा, बेस क्लास, दिस इज गोइंग टू बी योर आउटपुट। ठीक है, लेकिन अब इसमें ट्विस्ट कब आता है, इसमें ट्विस्ट ये आता है कि अगर आपने यहां इस ए को ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, यहां पर आपने बी कर दिया, मतलब आपका पॉइंटर तो है बेस क्लास का, योर पॉइंटर इज ऑफ बेस क्लास, लेकिन ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया वो डिराइव्ड क्लास का बनाया। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का बनाया, और अब आप फिर से वही बेस पॉइंटर को डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से रेफरेंस करके बीपीटीआर के जरिए शो को कॉल करोगे, तो इसके बावजूद कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिराइव क्लास का है, जब आप बीपीटीआर के जरिए शो को कॉल करोगे, अभी भी जो आपको आउटपुट देगा वो शो बेस, मतलब बेस क्लास ही आउटपुट देगा, क्योंकि बेस क्लास का ही बार बार वो फंक्शन कॉल करेगा, क्योंकि ये जो आपका पॉइंटर है वो बेस क्लास का पॉइंटर है। प्रॉब्लम आ गई, बस समझ में, अभी थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ ए का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो समझ में तो आ गई थी बात कि भैया पॉइंटर भी ए का है, और जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट भी वो ए क्लास का ही है, इसलिए शो फंक्शन जो कॉल हुआ वो ए का एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन यहां जब हम बी को रखते हैं, यानी कि हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सारा काम वही किया, ठीक है, इसके बावजूद कि ऑब्जेक्ट आपका बी क्लास का है, जब आप शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो भी वो ए क्लास यानी बेस क्लास के ही शो को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो अभी जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, बेस क्लास ही आएगा। अब ये प्रॉब्लमिस्टिक हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है,
अब वर्चुअल यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे बस आप एक कीवर्ड जोड़ देंगे क्या, वर्चुअल, VIRTUAL। जैसे ही आप वर्चुअल लगा के इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा क्या, डिराइव्ड क्लास। क्यों? क्योंकि वर्चुअल जो है अब ये सिग्निफिकेंटली ये बोल दिया, वर्चुअल ने ये बता दिया कि भैया आप बेस का तो पॉइंटर बनाओगे, अग्री, यू विल बी क्रिएटिंग द पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास, लेकिन उस पॉइंटर के जरिए जिस भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट रेफर करोगे, तो जैसे अभी बी क्लास का ऑब्जेक्ट हम रेफर कर रहे हैं, तो जिस भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट रेफर करोगे उसी क्लास के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने यहां बी क्लास का डबल ए बनाया तो ये डबल ए किसका ऑब्जेक्ट हो गया, बी क्लास का। इसीलिए जब हम पॉइंटर असाइनमेंट कर देंगे उसके बाद बेस पॉइंटर के जरिए शो फंक्शन को कॉल करेंगे, तो चूंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो था वो बी क्लास का था इसीलिए बी का शो कॉल होगा। अगर हम यहां पे इसको ए कर दें तो अब किसका कॉल हो जाएगा, ए का कॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने हमें वर्चुअल फंक्शन ने ये फैसिलिटेट किया कि बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट जो हम यहां असाइन करेंगे, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर के फंक्शन को वो क्या करेगा, कॉल करेगा। तो ये कब तय होता है, ये तय होता है जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा हो, है ना, प्रोग्राम के रन टाइम में ही जो है ये पॉइंटर इसको क्या करेगा, रेफर करेगा और तब ये कॉल होगा। तो दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि आपने पहले से तय करके नहीं रखा ना, आपने पहले से तय करके नहीं रखा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। जो भी पॉइंटर आप इसमें असाइन कर रहे हो उस पॉइंटर के असाइनमेंट के बेस पे प्रोग्राम उस समय तय करेगा, कंपाइलर अभी नहीं तय कर पाएगा। तो उस समय तय होगा जब प्रोग्राम आपका रन कर रहा हो। तो जब फंक्शन का कॉल रन टाइम में पता चलता है, रन टाइम में डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, दैट इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग, क्योंकि लेट हो रहा है, ठीक है। और अर्ली बाइंडिंग मतलब प्रोग्राम आप लिख रहे हैं और जैसे ही आपने कंपाइल किया, कंपाइलेशन के टाइम में ही समझ जाएगा आपका कंपाइलर कि अच्छा ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, ये फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। तो यही कॉन्सेप्ट होता है लेट बाइंडिंग का और अर्ली बाइंडिंग का, विच इज अचीव यूजिंग व्हाट, वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो वर्चुअल डेफिनेशन में सबसे पहले आप क्या लिख चुके हैं, सबसे पहले आप ये लिख चुके हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, वर्चुअल का क्या यूज हुआ, क्यों वर्चुअल को हमने यूज किया। तो वर्चुअल इज अ कीवर्ड इन C++, यानी वर्चुअल क्या है, कीवर्ड है C++ में। और चूंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने मैंने टॉपिक दिया है वर्चुअल बेस क्लास, एक्चुअली ये वर्चुअल बेस क्लास नहीं होगा, ये होगा वर्चुअल फंक्शन। एक्जैक्टली इसका नाम जो होना चाहिए वो वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। आप यहाँ स्लैश देके वर्चुअल फंक्शन कर लीजिए, वर्चुअल फंक्शन। क्यों क्यों वर्चुअल फंक्शन कर लीजिए, क्योंकि जो वर्चुअल कीवर्ड है वो हम जो लगाते हैं वो बेस क्लास में लगाते हैं, इसीलिए इसको वर्चुअल बेस क्लास बोल दिया जाता है। That's why it is called virtual base class. अब क्वेश्चन ये कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास के ही फंक्शन में वर्चुअल लगा सकते हैं, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप डीआई क्लास में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उतनी डेप्थ तक हमें नहीं पढ़ना है, वो आप जब बहुत हाई लेवल में जाएंगे वो पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि चूंकि वर्चुअल हमारा ये फंक्शन के थ्रू लगा है और बेस क्लास में लगा, इसीलिए इसको यूजुअली रेफर कर देते हैं वर्चुअल बेस क्लास, या अब आप क्या करते हैं वर्चुअल इसको फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन के आगे आपने क्या लगा रखा है, वर्चुअल कीवर्ड लगा रखा है। तो वर्चुअल इज अ कीवर्ड इन C++, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन इज रीडिफाइंड, यानी वर्चुअल फंक्शन जो है वो दोबारा रीडिफाइन किया जाता है किसमें, डिराइव क्लास में। वर्चुअल फंक्शन इज, यानी वर्चुअल फंक्शन जो है वो रीडिफाइन किया जाता है किसमें, रीडिफाइंड इन डिराइव क्लास। ये डिराइव क्लास में क्या करते हैं, हम रीडिफाइन करते हैं, यानी कि दोबारा से उसको फिर से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तीसरा क्या होता है कि वेन a virtual function is defined in base class, when a virtual function is defined in base class, यानी कि जब हम virtual function को base class में क्या करते हैं, define करते हैं, comma it is, okay, comma then the pointer to base class, then the pointer to बेस क्लास, यानी जो बेस क्लास का पॉइंटर होता है इज क्रिएटेड, उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो पॉइंटर बनाया है वो क्या बनाया है, बेस क्लास का ही तो पॉइंटर बनाया है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट असाइंड द रिस्पेक्टिव क्लास फंक्शन इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या हुआ
ये लाइन समझने वाली लाइन है, ये बात ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि एक तो है सबसे पहले पॉइंटर बनाया जाता है बेस क्लास का, वो हमने यहां बना लिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट असाइन, किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप असाइन कर रहे हैं, तो देखिए यहां बी के टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं ना इस पॉइंटर में, बी पीटीआर में, देखिए बी के टाइप का ऑब्जेक्ट। तो जब आप कॉल करेंगे शो फंक्शन को, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया गया था उस क्लास का वो मेथड क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। दिस इज, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन। एक चीज और, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी रन टाइम में पता चलता है कि कौन सा फंक्शन क्या होगा, कॉल किया जाएगा। तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक इसी से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग वर्चुअल बेस क्लास भी कह सकते हैं, वर्चुअल फंक्शन भी कह सकते हैं, लेट बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग का भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं लेकिन सब एक दूसरे से क्या है, बहुत ही एसोसिएटेड है। और फिर से एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि वर्चुअल बेस क्लास एग्जैक्टली ये कोई मतलब वर्चुअल बेस क्लास टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, टॉपिक मिलेगा वर्चुअल फंक्शन। आप यहाँ पे लिखिएगा वर्चुअल, एग्जैक्टली इसको नाम दे दिए वर्चुअल फंक्शन, ये बेस क्लास आप चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। सो द टॉपिक बिकम्स व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन एंड हाउ इट इज यूटिलाइज। इसी वर्चुअल फंक्शन के बेस पे हम लेट बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग को समझते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी यही है। एक चीज और है कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखिए इसी से जुड़ा हुआ फंक्शन है, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है वह प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, वर्चुअल फंक्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या होता है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, फिर इन दैट केस नो डेफिनेशन इज देयर, कोई डेफिनेशन नहीं डालते हैं हम, बस यहां लिखते हैं वर्चुअल वॉइड शो एंड इसकी इक्वल टू हम यहां क्या करते हैं, जीरो डाल देते हैं, बस। दिस इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी कि जिसका कुछ डेफिनेशन ही नहीं है। इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं होता है। तो इस केस में इस वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन कौन लिखता है, तो जो नीचे वाला हमारा डिराइव क्लास होगा, जो इस फंक्शन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू राइट द कोड फॉर दिस वर्चुअल फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन, एंड वर्चुअल फंक्शन हैविंग नो डेफिनेशन, दैट मीन जिसको हम जीरो से असाइन करते हैं, इसका मतलब कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस कहते हैं। तो टॉपिक्स ही टॉपिक्स है इस अकेले एक वीडियो में, जो कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, और प्रैक्टिकली करने के लिए जो मैं एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूँ वो है कोड ब्लॉक्स का एनवायरनमेंट। कोड ब्लॉक्स में मैंने सेम प्रोग्राम टाइप कर रखा, अगर आप देखें तो। पहले समझाने के लिए मैं यहाँ से आपको ये वर्चुअल कीवर्ड हटा देता हूँ। देखिए ये है क्लास ए, और क्लास ए में भी एक शो नाम का फंक्शन है, ठीक है। और फिर ये है क्लास बी, और क्लास बी में भी जो है वो शो नाम का फंक्शन है, राइट। अब जब मैं एक ए क्लास का पॉइंटर बनाता हूँ और ऑब्जेक्ट बी का बनाता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंटर को मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ रेफर कर देता हूँ, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, डेराइव्ड क्लास का है। इसके बावजूद जब आप बी पी टी यानी कि बेस पॉइंटर के, आप इसे ओपन कीजिएगा, बेस पॉइंटर के शो फंक्शन को कॉल कीजिएगा, तो ये बेस क्लास के को ही कॉल करेगा, यानी बेस क्लास के ही फंक्शन को, यानी ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये वाला शो कॉल होगा। क्यों कॉल होगा, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस ऑब्जेक्ट को आपने पॉइंट किया है, ये हमेशा उसी फंक्शन को कॉल करेगा जिसका आपने क्या कर रखा है, पॉइंटर बना रखा है। इसीलिए यहाँ पे डबल ए जो है ऑब्जेक्ट वो बी क्लास का, इसके बावजूद जो है वो ये बेस पॉइंटर चूंकि किसका है, हमारे ए क्लास का है, इसीलिए जब आप इसको शो को कॉल करेंगे तो ये कॉल करेगा बेस क्लास के आपके फंक्शन शो को। देखिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो देखिए क्या दिखा है यहाँ पे, क्लास ए, इसका मतलब अभी भी क्लास ए का शो फंक्शन क्या और एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर देखिए यहाँ पे अगर ए टाइप का ही रखिएगा तो ये तो क्लियर है कि ए नाम का ही क्लास है और ए नाम का ही बेस पॉइंटर है, तब तो आपको तब भी दिखेगा कि यहाँ क्लास ए ही शो हो रहा है, ठीक है, आपका आउटपुट अभी भी क्लास से आएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब हमने क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बावजूद भी क्लास बी के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के बावजूद भी जो एग्जीक्यूशन हुई वो क्लास ए का ही हुआ, यानी कि हमारा यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बेस पॉइंटर जिस भी क्लास का होगा उसी का फंक्शन कॉल होगा। लेकिन ये तो गलत बात है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी बना रहे हैं तो और बी के ऑब्जेक्ट के जरिए हमको हम पॉइंट कर रहे हैं बी पी टी आर से, तो हमें बी का फंक्शन कॉल करना चाहिए। तो इसके लिए बस आपको एक चीज़ करना होता है, वो ये करना होता है, यहाँ पे जो आपका बेस क्लास है उसके फंक्शन को बनाना होता है वर्चुअल, और जब आप वर्चुअल बना देते हैं
तो अब क्या होगा, अब जब आप बेस पॉइंटर बनाएंगे और जो भी ऑब्जेक्ट आप उसको पॉइंट करेंगे उस पॉइंटर के जरिए, उस ऑब्जेक्ट का ही क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। उस ऑब्जेक्ट के से रिलेटेड क्लास का जो है वो क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। यानी कि क्योंकि अब ये डबल ए जो है वो बी टाइप का है, इसीलिए बी के अंदर का शो फंक्शन कॉल होगा। तो ऑब्वियसली बात है, बी के अंदर के शो फंक्शन को कॉल होने में क्लास बी क्या हो जाएगा, आपके आउटपुट में आ जाएगा। सो दिस वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉट वर्चुअल क्लास, ठीक, नॉट वर्चुअल क्लास एग्जैक्टली, इट इज इज सिग्निफिकेंस ऑफ वर्चुअल कीवर्ड जो हमने क्या कर दिया, यूज कर लिया। तो यहां देखिए आपका आउटपुट जो आ गया, क्या आ गया, वो आ गया दैट इज क्लास बी, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।